हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों ये वीडियो पार्ट टू है। दोस्तों 50 तक मैं अगले वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं पहला वीडियो, ठीक है। 50 तक वहाँ कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिए दोस्तों इसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों बहुत ही आसानी होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन जितना है ना दोस्तों बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंगूठा दिखाना जो है ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है। बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। चलता पुर्जा का अर्थ जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा, चालक और व्यवहार कुशल, ये जो है बिल्कुल आपका आसान राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गाय बैल घास चर रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य को देखना है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बिल्कुल जो सही होगा, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग बिहार बोर्ड में 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दोस्तों एग्जाम के दिन सबसे पहले आप लोग को आंसर की दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। देखिए इसका देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभिमान शब्द में उपसर्ग आपका क्या होगा, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय देखना है, आगे उपसर्ग बताएं उसके बाद प्रत्यय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तलाश का लिंग निर्णय करना है, तलाश का लिंग जो है ना लिंग निर्णय, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलिंग होगा। चलिए अगला देखेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षा का लिंग निर्णय करना है, अपेक्षा का लिंग निर्णय देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग होगा, यानी बी होगा बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है कि अशक्त, ठीक है, किसका विलोम शब्द है, अशक्त जो है ना किसका विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, विरक्त का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंधकार का विलोम क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूं कि व्याकरण से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, व्याकरण भी आप लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रकाश का जो है ना विलोम है अंधकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, बांध देती है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक पेशे में बांध देता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि काशु मदन के साथ किस खेल में, ठीक है, शरीक होना चाहता था, शरीक यानी कि शामिल होना चाहता था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हॉकी के खेल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, यूरोपियन सैनिकों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अल्पग पिता कैसा जीव होता है, अल्पग पिता कैसा जीव होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका दयनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, उत्तर भारत के नागरी लिपि को बताना है किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि को नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था, ऑप्शन देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है क्या थे रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा,
आलोचक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुमार गंधवर्ग क्या है, कुमार गंधवर्ग क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, सशस्त्री गायक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने देश की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संतु मछली को लेकर क्यों भागा, संतु जो था मछली को लेकर क्यों भागा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुआं में डालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नौहा किसे कहते हैं, नौहा जो है ना किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई को नौहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी है हिंद स्वराज के रचनाकार। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हरिरस, ठीक है हरिरास से नानक का क्या अभिप्राय है, हरिरास से नानक जो है ना क्या अभिप्राय है बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हरिभक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राधा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि परहित के लिए कौन देह धारण करता है, परहित के लिए कौन देह धारण करता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि प्रेम धन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, प्रेम धन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीयता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र को। चलिए अगला देखेंगे। उर्वशी किसकी कृति है, उर्वशी बताना है किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को अभी यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने का बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। देखिए अज्ञेय का जन्म जो हुआ था ना, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1911। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, इसी दुनिया में किसकी कृति है बताना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा, बीरेन डंगवाल। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बंगला भाषा के। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नजमा मगम्मा की कौन थी, नजमा जो थी ना मगम्मा की कौन थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पुत्रवधु थी। चलिए आगे देखेंगे, पुत्रवधु। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है कि दलेई बांध टूटने पर क्या हुआ, दलेई जो बांध टूटा था उससे क्या हुआ था। ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, चारों ओर पानी फैल गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के साहित्यकार हैं, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजराती भाषा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पापति को शहर क्यों लाया गया था, पापति को शहर क्यों लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी इलाज करने के लिए लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, प वर्ग देखिए आप लोग बोलकर, ठीक है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा प जो कहते हैं वो ओष्ठ यानी कि ओठ से मिलकर निकलता है। चलिए अगला देखेंगे। हमारे पास है कि सेना शब्द है, सेना शब्द है बताना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, समूहवाचक है सेना शब्द। चलिए अगला देखेंगे कि किस कारक में विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, करण कारक। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजवर्षी, ठीक है राजर्षी का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है राजर्षी का संधि विच्छेद। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि राज प्लस ऋषि जो है ना राजर्षी का संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दुष्कर्म में कौन सी संधि है, दुष्कर्म संधि बताना है।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा विसर्ग है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि षडानन में समास बताना है। षडानन देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है इसका, जो राइट होगा बहुव्रीहि होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, सुख दुख में कौन सा समास है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक ही साथ पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ना कि अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल आपका सही होगा, स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से यही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। ठीक है, सब सही शब्द का चुनना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। चलिए अस्पृश्यता देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्ध सही चुनाव करना है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्ध को बताना है। ठीक है, शुद्ध शब्द इसमें जो लिखा हुआ है उसको चुनाव करना है, यानी उसको सिलेक्ट करना है क्या सही इसमें लिखा हुआ है चार ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर देखिए छानबे का राइट आंसर होगा कैरी, जो लिखा हुआ है बिल्कुल आपका राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए परिग्रह में कौन सा उपसर्ग बताना है। परिग्रह इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परि जो है ना उपसर्ग हो गया। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है कि जोश का लिंग निर्णय करना है। जोश का लिंग जो है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जोश जो है पुलिंग शब्द है। चलिए अगला देखेंगे हमारे पास जीत का लिंग निर्णय करें। जीत का जो लिंग निर्णय होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, स्त्रीलिंग है जीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसका आँख का जो है ना अच्छी का पर्यायवाची शब्द है, आँख नयन लोचन जो होता है यह आँख का पर्यायवाची शब्द है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बॉल का बेल आइकन दबा लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2023 में मैट्रिक के एग्जाम में आप लोग को पेपर सबसे पहला आप लोग को आंसर मिले तो उसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।